हरियाणा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला एक बार फिर जेल में जिंदगी गुजारेंगे। दिल्ली की राउज इवेंट कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 50 लाख का जुर्माना भी लगाया है। सिर्फ यही नहीं, ओम प्रकाश चौटाला की 4 संपत्ति भी जब्त होगी। हेली रोड, पंचकुला और गुरुग्राम की संपत्ति जब्त होगी। दरअसल 1993 से 2006 के बीच गलत तरीके से ओम प्रकाश चौटाला ने 6.09 करोड़ की अधिक संपत्ति बनाने का आरोप लगा था, जिसमें वो दोषी करार हुए और अब 4 सालों तक जेल में फिर से रहेंगे। दरअसल दिल्ली की अदालत ने टीचर भर्ती घोटाले के सिलसिले में साल 2013 में ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई थी। मामला हरियाणा में 1999 और 2000 के बीच 3206 टीचरों की अवैध भर्ती से जुड़ा था। ओम प्रकाश चौटाला को पिछले साल जुलाई में ही जेल से छोड़ा गया था, लेकिन आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसकर चौटाला सलाखों में फिर पहुंच गए। गुरुवार को दोषी करार दिए जाने के दौरान ओपी चौटाला कोर्ट रूम में ही मौजूद रहे। ओम प्रकाश चौटाला की ओर से कम सजा के लिए चिकित्सा आधार का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि चौटाला जन्म से ही पोलियो से संक्रमित हैं और आंशिक रूप से अक्षम हैं। साथ ही चौटाला के वकील ने तर्क दिया था कि उनके ऊपर 2003 से 2006 के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। ये समय 20 साल से अधिक का है। इस बीच उन्होंने हमेशा जांच में सहयोग किया है। हालांकि सीबीआई ने खराब स्वास्थ्य और उम्र के आधार पर रियायत देने के लिए चौटाला के वकील की दलाली का विरोध किया। सीबीआई ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि ओम प्रकाश चौटाला को अधिकतम सजा दी जाए, क्योंकि इस केस से समाज में बड़ा संदेश जाएगा। आपको बता दें, चौटाला के दोनों बेटों पर भी आय से अधिक संपत्ति बनाने का आरोप है। अब बेटों की आय से अधिक संपत्ति मामले में क्या होगा, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन 10 सालों के बाद जेल से बाहर आने वाले ओम प्रकाश चौटाला ठीक से साल भर भी बाहर नहीं रह पाए कि अब दोबारा उन्हें बुढ़ापे में जेल में रहना पड़ेगा। टीम न्यूज़ नेशन।